फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग मेरे स्क्रिच में स्वागत है। तो आज हम एक साग बनाना सीखेंगे। इसको कुछ लोग कुनफा भी कहते हैं, नोनिया भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सा है प्लांट है। ये देखिए, ये पौधा है। ये आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं क्लियरली? ये देखिए, इसी को हम नोनिया कहते हैं, कुनफा कहते हैं। आपके इलाके में किस नाम से जाना जाता है कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। तो ये बहुत रिच सोर्स है कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आयरन, प्रोटीन और मिनरल्स से भरपूर है। तो हमारे इंडिया में आयरन की कमी से बहुत सारी महिलाएं मरती हैं हर साल। तो अगर वो ये खाएं, अपने डाइट में रोज़ाना शामिल अगर करती हैं, इससे बच सकती हैं। गांव में भी महिलाओं को बहुत सारी डिफिशेंसी होती है, आयरन है, प्रोटीन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम उनको नहीं मिल पाता है। तो ये तो बाज़ार से खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है, खेत में ही गांव के महिलाओं को तो खेत में सड़क के किनारे ही मिल जाता है। तो इसकी बहुत अच्छे से धो लें, कई बार पानी से इसको धो के एकदम साफ़ सुथरा धो लें और इसकी साग बना लें, चाहे दाल में भी छोटे छोटे काट के डाल लें। और कुछ लोग बेसन की कड़ी भी बनाते हैं इससे, चना दाल के साथ लोग भी बनाते हैं। लेकिन आज हम सिंपल इसकी बस साग कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे धो के रख लिया है। और जो सामान क्या क्या चीज़ चाहिए वो सभी ये चीज़ें, हींग है, जीरा है, हल्दी, नमक स्वाद अनुसार और चिली आपको जितना चाहिए। ज़्यादा तीखा खाती हूँ ज़्यादा डालिएगा, कम खाती हूँ कम डालेंगे। दो तीन टोमेटो डालेंगे, आलू मीडियम साइज़ के दो आलू ली हूँ और प्याज ज़्यादा आपको डालना है। और ये देखिए, इस साग को आप क्या करेंगे, बहुत लोग होते हैं खाली इसके लीव्स को ही निकाल लेते हैं, छोटे छोटे पत्तियों को निकाल लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जो इसका ये स्टेम है, ये भी बहुत सॉफ्ट और डिलिकेट होता है, तो आप इसको फेंकना नहीं। इसी में तो असली सारे न्यूट्रिशंस, मिनरल्स, विटामिन्स सब तो इसी में है। तो आप इसको फेंकिएगा नहीं। ये नहीं करना है कि हम खाली ये पत्ती पत्ती निकाल के इसका साग बना ले। आपको ये सारा लेके आप इसको एक साथ इकट्ठा कर लीजिए ऐसे। ये देखिए, सब साग आप ऐसे इकट्ठा कर लीजिए, जैसे हम लोग पालक काटते हैं ऐसे ही हम सबको एक साथ इकट्ठा ऐसे कर लेंगे, ऐसे इकट्ठा करके और हम इसको काटेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं इसको कैसे काटना है। ये सब आपको ऐसे इकट्ठा कर लेना है, जैसे हम आपको बता रहे थे ऐसे इकट्ठा कर लेंगी। सॉफ्ट सॉफ्ट ढूंढे, जो कड़ा रहेगा उसको काट के निकाल देंगी। तो ऐसे करके जितना आपके हाथ में अट जा रहा है एक मुट्ठी में उतना आप ले लीजिए और एकदम बारीक बारीक आप इसको काटिए। इसमें आपको दिखा दे रही हूँ, ऐसे आपको पूरा काट लेना है जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, छोटे छोटे बारीक बारीक काट लीजिए। आपको काट के पूरा दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये साग काट लिए, देखिए बारीक बारीक पूरा, इसकी डंडी उंडी सब हम काट दें, क्योंकि ये सब देखिए बहुत सॉफ्ट है। अब इसको हम नहीं डालेंगे क्योंकि नाखून से, तो हम इसको हटके डिस्कार्ड कर देंगे। ये छोटे छोटे महीन काट लिए हैं, इधर टमाटर भी काट लिए हैं, प्याज देखिए, मिर्चा और ये सब सामान रखे हैं। तो अब हम इसको छौंकेंगे। आलू हम नहीं डाले हैं क्योंकि हमें आलू पसंद नहीं है, तो हम आलू डिस्कार्ड कर दिए। और आप मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल में जिसमें भी तेल खाती हूँ, तो वो देखिए आप अपने हिसाब से डाल लीजिए जितना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा तेल खाते हैं, कुछ लोग कम, हम बहुत ज़्यादा तेल नहीं खाते हैं और साग भी बहुत नहीं है, गल के भी थोड़ा सा ही हो जाएगा। तो देखिए ये हम डाल के गर्म होने देंगे। ये देखिए अब तेल गर्म हो गया है, तो हम हींग डाल देंगे। ये देखिए हींग है, उसके बाद जीरा, उसके बाद मिर्चा ऐसे डालेंगे। हींग हमने डाल दिया, देखिए जीरा भी डाल देंगे। तो मिर्चा तो हम प्याज डाल देंगे। तो
काम नहीं कर रही हैं। ये देखिए अब गोल्डन ब्राउन थोड़ा हो गया है, देखिए गोल्डन ब्राउन भुन गया है। ये देखिए अब इसमें हम साग डाल देंगे। चलिए साग डालते हैं अभी, देखिए अब हम साग डाल देंगे। बर्फी में आने देंगे तब हम उसके बाद नमक और डालेंगे। थोड़ा फ्राई हो गया तो उसका अच्छा टेस्ट आने लगेगा। थोड़ा फ्राई कर लेंगे तब जो नमक से भी टमाटर डाल खाएंगे, फिर टमाटर डाल देंगे अभी तो पके जाने में तो हम फ्राई कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हाफ कुक्ड हो गए हैं, ये देखिए सॉफ्ट हो गई हैं ये सब। अब इसमें टमाटो प्यूरी डाल दीजिए, फिर टमाटो प्यूरी डाल के लिए थोड़ा सा इसको पका लीजिएगा। तब उसके बाद हम भी नमक हम डाल देंगे, आप चाहे साथ साथ भी डाल सकती हैं कि हम थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। एक मिनट बाद हम इसको फिर जितना हल्दी नमक डाल देंगे, तभी थोड़ा दो मिनट ढक ले रहे हैं, दो मिनट बाद फिर बनाएंगे। फ्रेंड्स इसका हम लीड खोल के थोड़ा चला लेंगे, देखिए इतना यमी दिख रहा है देखने से ही, बहुत ही टेस्टी। अब अपने स्वाद अनुसार अब नमक हल्दी जो हमने रखा है ये हम डाल देंगे और इसको फिर चला लेंगे। देखिए बहुत ही हेल्दी सब्जी तैयार हो रहा है और कितना देखने में भी यम्मी लग रहा है। दो मिनट बाद ढक दीजिए, फिर आपका सब्जी है तैयार। तो ढक लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब मेरा ये बन गया है। ये देखिए अभी तो गैस को लो फ्लेम में किए थे, अब अपने हिसाब से हाई लो करते रहिएगा, क्योंकि साग को बहुत ड्राई नहीं अच्छा लगता, थोड़ा गीला रहता है तभी अच्छा लगता है। देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा ये देखें, और ये थोड़ा स्टिकी स्टिच की टाइप की थोड़ी सब्जी रहती हैं, कि ये थोड़ा इसकी पत्ती थोड़ी उस टाइप की रहती हैं। आपको बताया था पहले सकुलेंट टाइप का प्लांट है ये, तो ये इस तरह की सब्जी बन गई है। अब ये तैयार है, हम इसको बंद करके आप इसको सर्व कर लीजिए। अभी तो पक गया है तो हम इसको फ्लेम बंद कर देंगे, गैस बंद कर दिए। अब आप इसको देखिए, ये देखिए तैयार है सब्जी, बहुत ही यम्मी सब्जी तैयार है, आपको दिख रहा होगा ये देखिए। सो यम्मी डिलीशियस है। और कुछ लोग साग नहीं पसंद है, तो अब मेरा तो यही मानना है कि पसंद हो चाहे ना हो, शरीर के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम शरीर से इतना काम लेते हैं तो हमें उसके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। तो मेरी यही राय है सबसे कि जो फ़ायदेमंद चीज़ है उसको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। लेकिन जो आजकल हम लोगों की दिनचर्या है और हम लोग जो खान पान है बहुत ही ख़राब चीज़ खा पी रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए इतने लोगों को रोग हो रहा है, इतने हर साल लोग मर रहे हैं। खान पान का सबसे बड़ा एक ये रीज़न है कि हम लोग हेल्दी डाइट नहीं खा रहे हैं। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ थोड़ा स्वाद कम ही अच्छा लगे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती खाइए। तो ये तो तैयार हो गया, वो अलग बात है, ये तैयार है। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, जिससे मर्जी आप खा सकती हैं। तो यम्मी डिलीशियस तैयार हो गया। कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ अच्छे आइडियाज़ के साथ।